मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। मुझे कई लोग मिलते हैं और बार बार एक ही बात कहते हैं, हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा मन भटकने लगता है। जो बातें वैसे तो हमें कभी याद भी नहीं आती हैं, पर जब ध्यान करने बैठते हैं तो वे बातें हमें परेशान करने आ जाती हैं। बताइए हम क्या करें? मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए हमारा मन चंचल है, हमारा मन सारा समय भटकता रहता है, हमारा मन सारा समय उछलता कूदता रहता है। जब हम अपना काम काज करते हैं तो हमें इस चंचलता का आभास नहीं होता, पर जब ध्यान में बैठने जाते हैं उस समय हम कोई काम नहीं करते, हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, उस समय हमें मन की चंचलता का आभास होता है। हमें पता चलता है कि हमारा मन कितना भटक रहा है और उसके साथ हम भी भटक रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस व्यक्ति के दिल में प्रभु के लिए प्रेम होता है उसका मन नहीं भटकता है। हमारा मन वहीं जाता है जहाँ हमारा प्यार होता है। यह बहुत स्वाभाविक है, यदि मैं किसी से प्रेम करता हूँ तो सारा समय मेरा ध्यान उसी की ओर जाता है। उसलिए अपने दिल में प्रभु के लिए प्रेम जगाओ, प्रेम जगाओ। हम सोचते हैं हमने पद्मासन लगाया और ध्यान करने बैठे कि हमारी धारा ऊपर उठ गई। ना ना, धारा ऊपर नहीं उठती, हमारा मन एकाग्र नहीं होता जब तक हमारे दिल में प्रभु के लिए प्यार नहीं जागा है, तब तक यह संभव नहीं है। इसलिए प्यार जगाओ, प्यार जगाओ, प्यार जगाओ। और प्यार की निशानी है भीगी पलकें। क्या ध्यान में बैठने से पहले आपने प्रभु के प्रेम में तड़प कर आंसू बहाए हैं? धन्य है वह इंसान जो पहले प्रभु की याद में आंसू बहाकर फिर ध्यान में बैठता है। जो ऐसा करता है उसका मन एकाग्र होता है। इसलिए नैनों से नीर बहाओ, उसके लिए जरा वियोग के दर्द को महसूस करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब बिछड़े हुए हैं। हम अपने प्रियतम, अपने प्रभु, अपने सच्चे पिता, अपनी सच्ची माता से बिछड़े हुए हैं, पर हमें इस वियोग का भान ही नहीं है। इस वियोग का दर्द हमने अभी तक महसूस ही नहीं किया है। यदि यह दर्द हमारे भीतर उठे फिर तो हमारी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं लेंगे। इस समय हमारी आंखें सूखी हैं। आध्यात्मिक राह में सूखी आंखों का कोई मतलब नहीं है। आध्यात्मिक राह तो दर्द की राह है, घायल दिल की राह है। देखिए हम इस संसार को ऐशो आराम से कितना खुश हैं। कहते हैं हमें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, पर धन्य है वह इंसान जिसका दिल घायल है। पर ऐसा इंसान लाखों में कोई एक ही होता है। जब उसका दिल घायल होता है तो वह सजग होता है। वह कहता है, मैं स्वयं को किन बातों से सुखी मान रहा था? मेरे दिल में दर्द है, वियोग का दर्द। जब वह ध्यान में बैठता है उससे पहले वह पुकारता है, हे भगवान, मैं तुझे कहाँ ढूंढूं? मैं कहाँ जाकर तेरे चरण कमल पाऊं? क्योंकि मुझे तो और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो चाहत है तेरी, एक तेरी ही तेरी, एक तेरी ही तेरी। क्या आपने एकांत में बैठकर दिल की गहराई से भगवान को पुकारा है? दिल की गहराई से, नॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ योर हार्ट बट फ्रॉम द वेरी डेप्थ ऑफ योर हार्ट।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसके लिए एक बात बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। ध्यान में बैठने से पहले हम कोई भजन गाएं, भाव से भजन गाएं। जब हमारे भीतर भाव जागता है, तब मन की चंचलता दूर होती है, मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है। हमें नैनों से नीर बहाकर ईश्वर को पुकारना चाहिए। ये नैनों का नीर ही हमें ईश्वर के निकट ले जाएगा। ये नैनों का नीर हमारे दिल को साफ करेगा। इस समय हमारे दिल पर कई दाग लगे हुए हैं। इन दागों के कारण ही हमारा मन चंचल होता है। जैसे जैसे हमारा दिल साफ होने लगेगा, वैसे वैसे मन की चंचलता दूर हो जाएगी। एक बार राबिया साध्वी से पूछा गया, बताइए, जब आप खुदा की बंदगी करने बैठती हैं, तो क्या पहले खुदा आपके पास आते हैं, उसके बाद आपकी बंदगी शुरू होती है, या पहले आप बंदगी शुरू करती हैं, उसके बाद खुदा आपके पास आते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में राबिया कहती है, जब मेरे नैन नीर बहाते हैं, जब मेरी आंखों के आंसू थमने का नाम ही नहीं लेते, तब मैं समझती हूँ कृपा के बादल छा गए हैं और मैं अपनी बंदगी शुरू करती हूँ तथा खुदा मेरे सामने खड़े होते हैं। इसलिए नैनों से नीर बहाएं। संत महात्मा कह गए हैं कि यदि तुम प्रेम की गली में कदम रखना चाहते हो, तो तुम अपना सिर हथेली पर लेकर आओ। गुरु गोविंद सिंह अपनी पवित्र वाणी में कहते हैं, पहले मरना कबूल, जीवन की छोर आस। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत कबीर की वाणी में भी बार बार ये शब्द आते हैं, सिर का सौदा। प्यार है सिर का सौदा। किंतु गुरुदेव साधु वासवानी जी ने हमें एक आसान सा मार्ग सुझाया है। उन्होंने देखा कि हम अपना सिर हथेली पर रखने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए उन्होंने आसान मार्ग बताया। वह मार्ग है, नैनों से नीर बहाओ। यदि तुम्हारी आंखें सूख गई हैं, तो भगवान से आंसू उपहार के रूप में मांग लो। हे भगवान, कृपया मेरे नैनों में नीर भर दो, मेरे दिल को घायल कर दो, ताकि उसमें से ऐसी दर्द भरी पुकार उठे जो मेरे नैनों से नीर बहने लगे। आज से यह काम शुरू कर दें, आज ही भगवान से यह दान मांग लें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक को संसारी जीव कहते हैं और दूसरे को सत्संगी जीव। संसारी जीव और सत्संगी जीव, दोनों को अपना अपना नशा होता है, दोनों को अपनी अपनी मस्ती होती है। सत्संगी जीव को नाम का नशा होता है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सत्संगी जीव को प्रभु के प्रेम का नशा होता है, उसे प्रेम की मस्ती का नशा होता है, लेकिन संसारी जीव को भोग विलास की मस्ती होती है, उसे धन संपत्ति इकट्ठा करने की मस्ती होती है। धन संपत्ति के नशे में वह बाकी सारी बातें भूल जाता है। कई लोग तो धन कमाने के नशे में अपने परिवार के सदस्यों को भी भूल जाते हैं, यहाँ तक कि वे अपनी पत्नी को भी नज़रअंदाज करने लगते हैं। बेचारी पत्नी घर में घंटों बैठी अपने पति के आने की राह देखती है। संसारी जीव को मान सम्मान, यश और कीर्ति को पाने का नशा होता है। कहते हैं जो नशे में होता है उसे यदि चावल उबालकर उसका पानी पिला दो तो उसका नशा कम हो जाएगा। अब सवाल है कि संसारी जीव के नशे को कैसे कम किया जाए। संसारी जीव का नशा तोड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका है संतों का संसर्ग, द कंपनी ऑफ द सेंट्स ऑफ गॉड, द कंपनी ऑफ होली मैन। जब संसारी जीव संतों के संसर्ग में आते हैं तो उनका नशा धीरे धीरे कम होने लगता है। संत तो जानते हैं कि यह संसार मिथ्या है, इसलिए संसार की कोई भी चीज़ उन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं करती। यही सच्चे संतों की पहचान है कि वे मान सम्मान, ऐशो आराम, भोग विलास, धन संपत्ति के पीछे नहीं भागते। उनके लिए यह संसार एक सपना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक एक संत की यही कोशिश होती है कि उनके शिष्य, उनके भक्त दो पाठ अवश्य पढ़ लें, एक विवेक और दूसरा वैराग्य। विवेक क्या है? विवेक है द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रियल एंड द अनरियल। एक एक संत यही सिखाना चाहते हैं, मेरे प्रिय, यह सब जो देख रहे हो वह सब असत्य है, सत्य तो कुछ और ही है, ये सब तो अनित्य है, इसलिए तुम इसके पीछे मत भागो, मत भागो। ये सब चीज़ें परछाइयाँ हैं, नित्य पदार्थ तो कुछ और ही है। नित्य पदार्थ है नाम, उस नाम को तुम पकड़ो। हाँ, तो पहली बात विवेक और दूसरी बात वैराग्य। वैराग्य क्या है? वैराग्य है इस बात का बोध होना कि ये सारी चीज़ें जिनके पीछे मैं भाग रहा हूँ, ये सब परछाइयाँ हैं, अब मैं इनके पीछे नहीं भागूँगा। वैराग्य है द स्पिरिट ऑफ डिस्पैशन। जब हमारे भीतर वैराग्य जागता है तो हमें संसार और संसार की तमाम चीज़ों से विरक्ति हो जाती है। तब हमारे दिल में प्यास जागती है, हमारे दिल में ईश्वर के चरण कमल पाने की चाह उठने लगती है। फिर जैसे जैसे यह प्यास बढ़ने लगती है, वैसे वैसे हमारे नैनों से स्वतः नीर बहने लगता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सत्संगी जीव ने ये दोनों पाठ विवेक और वैराग्य सीख लिए हैं, इसलिए सत्संगी इंसान की पलकें भीगी रहती हैं। गुरुदेव साधु वासवानी जी ने एक बार हमें एक सत्संगी भाई के बारे में बताया था। अब कोई पढ़ा लिखा विद्वान नहीं था, अपितु एक सीधा साधा गरीब इंसान था। उसके कपड़े फटे, पुराने, मैले थे। गुरुदेव ने उसे एक मंदिर में देखा था। अब मंदिर के कोने में बैठा बार बार अपने हाथों की ओर देखकर आंसू बहा रहा था। अब आधा घंटा इसी तरह रोता रहा। उसके बाद वह उठा, तब गुरुदेव ने उसे पूछा, तुम अपने हाथ खोल कर बैठे थे और उन्हें देख देख कर नैनों से नीर बहा रहे थे, ये तुम क्या कर रहे थे? कृपया मुझे बताओ। इस पर उस सत्संगी भाई ने हाथों में रखी श्री कृष्ण की तस्वीर दिखाई और बोला,
मैं अपने प्रियतम की ओर देख रहा था और मेरा प्रियतम मेरी ओर देख रहा था, इसलिए मेरे नैन नीर बहा रहे थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर हमसे दूर नहीं है, वे दूर दूर किसी पहाड़ की चोटी पर नहीं है, वे दूर दूर कहीं तपोवन में नहीं बैठे हैं, वे दूर दूर किसी तीर्थ स्थान पर नहीं हैं। ईश्वर तो हर जगह व्यापक हैं, जहाँ आप हैं वहीं ईश्वर हैं। आपको केवल आंखें मूंद कर उनका ध्यान करना है, वे आपके सामने होंगे। हमें केवल एक ही साधना करनी है, हम भी अपने प्रयत्न अपने प्रभु की ओर निहारें, उन्हें अपने दिल का हाल सुनाएं। ईश्वर बोलते हैं, आप उन्हें अपने दिल का हाल सुनाएं और फिर एकांत में जाकर ध्यान करें तो ईश्वर आपसे बातें करेंगे। आप उनसे इस तरह बातें करें जैसे पत्नी अपने पति से बातें करती है, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से बातें करता है, जैसे बच्चे अपने माता पिता से बातें करते हैं। अगर हम ईश्वर से प्रेम से प्यास से दिल की तरफ से अपनेपन की भावना से बातें करें तो हम भी उनकी आवाज़ सुन पाएंगे, अवश्य सुन पाएंगे। जब हम दिल की तरफ से उन्हें याद करेंगे, उन्हें पुकारेंगे, तो हमारे नैनों से नीर बहने लगेगा। यह नीर हमारे अंतःकरण को साफ करेगा और फिर उस साफ अंतःकरण में हम दिव्य ज्योति के दर्शन कर पाएंगे और हम भी धन्य हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। ओम शांति 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 ही।